हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए पोटैटोज, उबले हुए आलू, साबुत धनिया सूखा हुआ, जीरा, नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्च। अच्छे से पीस लेंगे और इसमें सारे मसाले डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, हमें ब्रेड रोल बनाने के लिए पानी की जरूरत भी होगी, आप पानी ले लीजिएगा। ये सादा पानी है और ये जो अभी हमने आलू तैयार करे थे, मसाला आलू, वो। दोस्तों, हम ब्रेड ले लेते हैं। अब हम इन ब्रेड को अच्छे से पहले इसमें भिगोएंगे, फिर इनको ऐसे करके निचोड़ेंगे। आपने इनका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ना है। अब हम इसमें फिल करेंगे ये मसाला आलू, आपने साथ साथ में ही फिल करना है। देखिए, ऐसे करके फोल्ड करना है और इसको ऐसे करके दबाना है। देखिए, अब हम दूसरे वाला कर लेते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड रोल फ्राई करने के लिए। दोस्तों, ये पक गया। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेड रोल कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब आप इसे किसी भी सॉस या किसी भी चटनी या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको आज चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए। थैंक यू दोस्तों।